वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माय पेज एमराव ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला देखते हैं, साइन ए प्लस वी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए इंटू साइन वी। ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं इसका, नेगेटिव साइन का, साइन ए माइनस वी। तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस वी माइनस कॉस ए साइन वी। कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है इसमें, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चिन्ह होता है या नेगेटिव चिन्ह होता है। अब बात करते हैं कॉस का फार्मूला, कॉस ए प्लस वी। तो कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ निगेटिव होता है। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं टेन में। तो टेन ए माइनस वी, टेन ए माइनस वी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन वी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन वी। इसी प्रकार इसका पॉजिटिव साइन का एक फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस वी का, ये होता है टेन ए प्लस टेन वी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन वी। तो ये तो फार्मूला हो गया। इसी तरह इसके कॉट में भी फार्मूले होते हैं, कॉट में भी देख लेते हैं। कॉट में होता है कॉट ए प्लस वी, कॉट ए प्लस वी। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट ए कॉट वी माइनस वन अपॉन कॉट वी प्लस कॉट ए। तो ये फार्मूला होता है कॉट ए प्लस वी का। इसी प्रकार इसका कॉट ए माइनस बी का ये फार्मूला होता है कॉट ए माइनस वी। तो इसका फार्मूला होता है कॉट ए कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट वी माइनस कॉट ए। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस वी इंटू साइन ए माइनस वी। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट इसी प्रकार कॉस में भी एक फार्मूला होता है कॉस ए प्लस वी इंटू कॉस ए माइनस वी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसी प्रकार अब हम लोग देख लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये फार्मूला हो गया। इसी प्रकार का नेगेटिव साइन में भी एक फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी। तो ये होता है कॉस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये फार्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट फार्मूला इसी, अब कॉस में भी होता है एक कॉस सी प्लस कॉस डी।
कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह इसका नेगेटिव साइन का एक फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। नेक्स्ट फार्मूला आता है टू साइन ए साइन वी, टू साइन ए साइन वी, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस वी। इसी प्रकार टू साइन ए कॉस वी, टू साइन ए कॉस वी, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस वी माइनस सॉरी टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसी तरीके इसके कॉस में भी फॉर्मूला होते हैं टू कॉस ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी प्रकार इसका होता है टू टू कॉस ए साइन वी, टू कॉस ए साइन वी का होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूले हो गए। अब इसके एंगल वाले फार्मूले देख लेते हैं। एंगल वाला फार्मूला देखते हैं साइन टू ए, साइन टू ए इसका होता है ये टेन में देखते हैं साइन टू ए टू टेन ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी तरह इसका साइन कॉस में होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद कॉस टू ए क्या होता है, कॉस टू ए, कॉस टू ए हम लोगों ने पढ़ा है टेन में है जो वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। अगर कॉस में अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और अगर साइन की बात करें तो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और साइन और कॉस दोनों की अगर बात करें तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं टेन टू ए का, टेन टू ए, टेन टू ए का फार्मूला होता है टू टेन ए अपान वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अब बात करें साइन थ्री ए की, तो साइन थ्री ए, तो इसका फार्मूला होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए। इसी प्रकार कॉस थ्री ए का फार्मूला होता है कॉस थ्री ए, तो ये होता है फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए। आप देख लेते हैं टेन थ्री ए का, टेन थ्री ए, तो ये होता है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, तो ये तो टेन में हो गया। अब बात करते हैं यदि, यदि साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है एन पाई, ये वैल्यू हम लोगों ने कई बार पढ़ी है। उसके बाद यदि कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू होता है टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ये हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद टेन थीटा की अगर बात करें
अगर टेन थीटा इक्वल टू जीरो हो तो हम लोगों ने थीटा इक्वल टू पढ़ा है एन पाई, तो ये वैल्यू पढ़ी हैं, तो ये तो हो गई तीन वैल्यू जब साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब बात करें जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, तब थीटा क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर होल एन इंटू अल्फा, ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है। अगर बात करें टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा की, तो ये वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है। अब इसी तरह इसकी स्क्वायर में भी फार्मूले होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। फिर इन सभी को मिला के थीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी स्क्वायर वाले जितने भी टर्म होते हैं उनकी थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आती है। इसी तरह एक साइन रूल फार्मूला हम लोग पढ़ा है, साइन रूल। साइन रूल ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, यानी कि ए बी सी, उनकी भुजाएं अगर ए हैं ए बी सी हैं, अगर ये एंगल ए है ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, इसका फार्मूला होता है साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी, तो ये फार्मूला होता है जिया फार्मूला, इसको कहते हैं जिया फार्मूला। इसी में भी एक फार्मूला आता है ए इक्वल टू होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, इसी तरीके से बी इक्वल टू होता है, यानी साइड को बी साइड होती है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। सी यहाँ पर स्मॉल है, आप लोग कैपिटल ना समझें इसको, स्मॉल कॉस ए प्लस स्मॉल ए फिर कॉस सी। इसी प्रकार सी इक्वल टू, जब सी है तो सी के बाद ए आएगा, यानी कि इसको अल्टरनेटली पहले ए पढ़ेंगे फिर ए वी और सी, यानी कि ए वी सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो सी इक्वल टू आएगा ए कॉस बी ए कॉस बी प्लस बी आया तो बी से स्टार्ट करो वी कॉस ए। तो ये तीन फार्मूले और होते हैं। अब इसके हाफ एंगल फार्मूले भी देख लेंगे हम लोग। हाफ एंगल में क्या होता है कि साइन ए वाई टू, साइन ए बाई टू, तो इसमें क्या होता है अगर साइड जो है ये, इसको हीरो फार्मूला भी कहते हैं। हीरो फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ से साइन ए बाई टू आता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी, इसकी सिमेट्री है एक तरीके से, आप इसको देख लेंगे। साइन बी बाई टू है तो उसके बाद यहाँ से आएगा अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपान, जो सी और ए घटाया उसी को नीचे लिखना है ए सी। नेक्स्ट है साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू क्या होता है एस माइनस ए, क्योंकि यहाँ सी था तो सी के बाद आएगा ए एस माइनस बी ए और एस माइनस बी, अब जो हमने सब्ट्रैक्ट किया उसी को नीचे मल्टीप्लाई में लिखना है ए बी। इसी तरह इसके कॉस में भी फार्मूले होते हैं, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू का फार्मूला आता है अंडर रूट एस एस माइनस ए अपान बी सी कॉस
बी बाई टू अंडर रूट एस एस माइनस वी अपान ए सी। इसी तरह होता है कॉस सी वाई टू, कॉस सी वाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस सी अपान ए बी। इसी तरह इसके टेन में भी फार्मूले होते हैं, टेन टेन ए वाई टू। तो ये होता है ए अंडर रूट एस माइनस वी एस माइनस सी अपान एस एस माइनस ए। इसी तरह नेक्स्ट आता है टेन वी वाई टू, टेन बी वाई टू का फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए फिर एस माइनस सी अपान एस एस माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला आता है टेन सी का, टेन सी वाई टू। तो ये होता है अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी अपान एस एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस सी, यहाँ पर एस माइनस सी। तो ये फार्मूले हम लोग रिवाइज कर लिए। अब नेक्स्ट कुछ फार्मूले और बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला ये होता है डेल्टा, डेल्टा के हम लोग फार्मूले पढ़े हैं। पहले इसको लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू, साइन इक्वल टू ये होता है टू डेल्टा अपान ए बी सी। इसी प्रकार साइन सॉरी साइन ए होता है तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यानी क्या होगा बी सी, सिर्फ डेल्टा टू डेल्टा अपान बी सी। इसी प्रकार साइन बी, साइन बी के केस में होता है टू डेल्टा अपान सी ए और साइन सी, इसके केस में होता है टू डेल्टा अपान ए बी। तो ये फार्मूले भी होते हैं। उसके बाद ये फार्मूले कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होते हैं, तो ये उनको फार्मूला भी मान लेते हैं। टेन ए माइनस वी बाई टू इक्वल टू, ए माइनस वी है तो यहाँ से ए माइनस वी स्मॉल ये जो है जो साइड है उनको घटाना है और नीचे जोड़ना है। ए माइनस वी अपान ए प्लस वी कॉट सी वाई टू। इसी प्रकार टेन टेन वी माइनस सी अपॉन टू, इसका भी आता है बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए वाई टू। उसके बाद टेन सी माइनस ए वाई टू इक्वल टू, यहाँ से आएगा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी वाई टू। तो ये वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। इसी प्रकार डेल्टा के केस में क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन टू बी सी है तो यहाँ एंगल साइन ए हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा वन अपॉन टू। अगर सी ए करेंगे तो एंगल बी हो जाएगा साइन बी इक्वल टू एक बटे दो, यहाँ पर ए बी करेंगे तो एंगल साइन सी हो जाएगा। ये वैल्यू भी होती है। इसी प्रकार कुछ और फार्मूले भी देख लेते हैं। आर इक्वल टू, आर इक्वल टू होता है ए अपान टू साइन ए इक्वल टू, ये होता है वी अपान टू साइन वी। इसी प्रकार इसको और इक्वल लिख लें तो सी अपान टू साइन सी इक्वल टू ए बी सी अपान फोर डेल्टा। तो ये वैल्यू भी हम लोगों ने पढ़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कुछ फार्मूले और हैं। नेक्स्ट फार्मूला है आर इक्वल टू डेल्टा अपान यस, उसके बाद आर वन की बात करें तो आर वन की वैल्यू होती है डेल्टा अपान यस माइनस ए, और अगर आर टू की अगर बात करें, आर टू की अगर बात करें तो यहाँ से वैल्यू होती है डेल्टा अपान एस माइनस बी, और आर थ्री की अगर बात करें तो ये होता है डेल्टा अपान एस माइनस सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फार्मूले रिवाइज कर लिए हैं।